नेट नेट आया यस सर, तकनीकी खराबी की वजह से लेक्चर बीच में रुक गया था, बट आप लोग वापस ज्वाइन कर लीजिए। अब तक हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया है टैक्स रेट फॉर अदर्स फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी। इनकम अगर 1 करोड़ तक के है तो इनके कोई खर्चे तो लगते नहीं, इनको कौन सा घर बार व्यू बच्चा तो है नहीं। सो टोटल इनकम इंटू 30% प्लस 4% डायरेक्टली, कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं। अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर चले गई तो 30% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% एचईसी। क्लियर है? हमने रिसेंटली टैक्स निकाला कितने पे, 2 करोड़ पे। कितना आया एक मिनट वापस निकाल लो, 2 करोड़ पे फर्म के लिए टैक्स निकालो। 2 करोड़ इंटू 0.30 प्लस 0.12 प्लस 0.04 हाउ मच, 88,800। परफेक्ट, इज दैट डन? बढ़ते बेटा आगे, बढ़ते बेटा आगे। अरे बेटा कहीं चले नहीं गया था, लाइट चली गई थी, मैं यही था, लाइट चली गई थी। चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कंपनीज। कंपनीज ये वाले पार्ट को थोड़ा अच्छे से समझना है हम लोगों को, तो सभी लोग फोकस। पहले हिस्ट्री सुनो, पहले हिस्ट्री सुनो और हिस्ट्री सुनने के बाद इस कंसेप्ट को समझ में आएगा। देखिए हम कंपनीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेरे बच्चे, हम कंपनीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी। लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन डोमेस्टिक कंपनी। यस नाउ डोमेस्टिक कंपनी माय फ्रेंड्स, डोमेस्टिक कंपनी माय फ्रेंड्स, 2014 तक टिल 2014 लिखना कुछ मत, जब बोलूंगा तभी लिखना। 2014 तक के ऐसा होता था कि कंपनी के लिए टैक्स रेट हुआ करता था 30% प्री 2014। प्री 2014 कंपनी के लिए टैक्स रेट हुआ करता था 30%। देन आई द देन एग्जिस्टिंग सरकार, जिन्होंने कहा कि हम कंपनीज की प्रगति के लिए 25% करेंगे टैक्स रेट। मतलब एक भरोसा दिलाया कंपनीज को कि हम आपका टैक्स रेट 25% कर देंगे 30% की जगह। उस टाइम पे अलग लहर चल रही थी, अब की बार मोदी सरकार चल तो आज भी रही है, ठीक है। तो अब यह हुआ कि 2014 में ये लोग जीत के आ गए, फाइनेंस मिनिस्टर बने श्री अरुण जेटली सर, याद है आपको? yes. श्री अरुण जेटली सर फाइनेंस मिनिस्टर बने। जब अरुण जेटली सर फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने पहले ही साल, भाई साहब पहले ही साल कह दिया कि भैया टैक्स रेट कंपनीज के लिए 29%, और 2014 से लेके 2019 तक हम हर साल 1% रिड्यूस करेंगे, बाय द एंड ऑफ 2019 हम इसको 25% पे ला चुके होंगे। मेक सेंस? क्योंकि कंपनी का 1% भी बच रहा है तो इमेजिन कीजिए पतंजलि जिसका ग्रॉस रेवेन्यू अगर 1200 करोड़ है, 1200 करोड़ का 1% भी अगर सेव होता है कंपनी के लिए तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू सेविंग है, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू सेव। खैर छोटी कंपनीज के लिए ये बहुत सब्सटेंशियल नहीं होगा, लेकिन जो बड़ी कंपनीज है उनके लिए तो ये बहुत बड़ा जीवनदान था, उनके लिए बहुत बड़ा जीवनदान था। और इन्होंने कहा कि भैया हम हर साल 1% टैक्स रिड्यूस करेंगे, हर साल 1% टैक्स रिड्यूस करेंगे, यानी 1% एवरी ईयर। पहले साल कर दिया, पीपल बी लाइक, सब खुश, सब खुश, क्योंकि 1% से टैक्स रिड्यूस हुआ था। लेकिन इनका टैक्स स्ट्रक्चर हिल गया, अगले साल 1% करना ही भूल गए, उसके अगले साल भी 1% करना ही भूल गए,
तब जा करके द मोस्ट हैंडसम बैचलर आफ्टर सलमान खान को याद आया। द मोस्ट हैंडसम बैचलर को याद आया, उन्होंने कहा ये गलत है। वन डे आई वेक अप एट नाइट और मुझे पता चला कि इन्होंने तो टैक्स कम ही नहीं किया। मैंने कहा मजा आया। उनने इस पॉइंट को पकड़ लिया, ईमानदारी से उनने इस पॉइंट को पकड़ लिया। जैसे ही ये पकड़ा तो इनके जितने पॉलिटिकल अलायंस थे सब बिल्कुल उधर से दीदी चिल्लाई, एटा चलबे ना, एनो चलबे, तुम बोला था टैक्स रेट कम करेगा, किधर किया? उधर अपने ऊपर, ये गलत है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये कैसे वादे किए, सिर्फ जुमले दिए। ये वादे तो गलत थे, आपने बोला था 1% रिड्यूस करेंगे। अरे दिल्ली की कंपनियां तरस रही हैं, पता नहीं वहां पे सब तरसते ही रहते ऐसा। हाँ फिर इधर महाराष्ट्र से भी काय चाल रहा है, काय लावून ठेवले, जर कमी केला नाही सांगून ठेवतो। यानी अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा सब चलाने लग गए। तब इनको याद आयला सच में वादा किया था, निभाया तो नहीं। तब इन्होंने, तब देखो गेम समझो पूरा, इतना मजा आएगा तुमको, पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं, जब तुमने सोचा भी नहीं था इस कोर्स में आने का तब से, ठीक है? तो हुआ ये कि तब जाके इनको बोला, नहीं यार बोला है करना तो पड़ेगा, बोला है करना तो पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया जरा देखना, एक सेकंड में सारी कंपनी को अंदर करने के लिए इन्होंने कहा, अगर किसी कंपनी का, अगर किसी कंपनी का 2017 में ये काम किया, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 16-17 में, कब बेटा, 16-17 में 50 करोड़ के ऊपर नहीं है, तो ऐसी कंपनी के लिए टैक्स रेट 25% और बची हुई कंपनी के लिए टैक्स रेट 30% कंटिन्यू। इन्होंने क्या किया था, वादा किया था 25 का, देखो कंपनी के लिए टैक्स रेट 25 है, लेकिन किन कंपनी के लिए, 2017 में आके इन्होंने बोला किसी का 16-17 में टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे, मतलब ये 17 में आके 17 का टर्नओवर नहीं ले रहे, 16-17 का टर्नओवर अगर 50 करोड़ के नीचे है तो 25% नहीं तो 30%। जितनी बड़ी कंपनी, 50 करोड़ का टर्नओवर कोई बहुत बड़ा टर्नओवर थोड़ी ना कंपनीज के लिए यार, इमेजिन इतना तो एक शेयर ब्रोकर कर डालता है, 5 लाख के शेयर खरीदे बेचे खत्म, 5 लाख तो ऐसे रिकॉर्ड हो जाते, भले उसमें इनकम कितनी भी हुई हो, टर्नओवर की बात चल रही है इनकम की नहीं। 50 करोड़ का टर्नओवर, सारी बड़ी कंपनी मस्त मस्त, एक नंबर, बहुत बढ़िया। सारी कंपनी बोली ये क्या क्या चिल्लर दिया हमारे को, क्या चिल्लर पकड़ा है, क्या ये 50 करोड़ का टर्नओवर होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, रुको जरा ठहरो, आएगा तुम्हारे लिए भी आएगा। इन्हें समझ में आ गया, भैया मैक्सिमम वोट बैंक तो बड़ी कंपनीज के पास है क्योंकि ये इनके एम्प्लॉई है। 2018 में फिर से अमेंडमेंट हुआ, अब कहते हैं 17-18 में किसी का टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे है तो 25% अदरवाइज 30%। यहां बहुत सारी कंपनी आ गई। देखो वादा पूरा हो रहा था, वादा पूरा हो रहा था, लेकिन हौले हौले धीरे धीरे। अब बोलते 2018 में आके बोलते 18 का टर्नओवर नहीं, 17-18 का टर्नओवर अगर 250 करोड़ के नीचे है तो 25%। अभी भी बड़ी कंपनी लाइक रिलायंस, पतंजलि, आईटीसी, टेक महिंद्रा, सब बड़ी कंपनी। क्या करूं मैं, मर जाऊं, फीलिंग नहीं है मेरे को। बड़ी कंपनी जिस चीज का वेट कर रही वो तो आ ही नहीं रहा 250 करोड़। हाँ ये बात है कि यहां पे भारत की बहुत सारी छोटी कंपनीज को बेनिफिट यही मिल गया, क्योंकि 250 करोड़ का टर्नओवर मतलब आप ये समझ लो करीब 73% इंडिया की कंपनीज इसमें आ गई, जिनको 25% आ गया, और बची हुई जो बड़ी कंपनीज थी आज भी वेट कर रही थी। बराबर है,
साल बीता, वक्त बीता, वक्त गुजरे, बड़ी कंपनी वेट कर रही थी, वो आएगा। नेक्स्ट बजट आया, 2019, दो साल वो कंटिन्यू रहा, नेक्स्ट बजट 2019, उन्होंने बोला 18-19 में भी, टर्नओवर अगर 250 करोड़ के नीचे है, तो 25%, अदरवाइज 30%, बड़ी कंपनी, ये तो आया ही नहीं। इन्होंने अगले बजट में भी आके वही बात कही, इन्होंने अगले बजट में भी आकर के ये लिमिट बढ़ानी चाहिए थी, नहीं बढ़ाई, क्योंकि भैया 1% से भी मैक्सिमम टैक्स देने वाली बड़ी कंपनी है। आप तो खुद जानते हो अपने घर के हालात, आप सब जानते हो आपके घर में कितनी इनकम है और टैक्स देते कितना है तुम्हारे घर वाले, तो इंडिविजुअल से टैक्स की उम्मीद नहीं होती। यस, यहां तो कई लोग इनकम कमाए तो रिबेट में आते, आप समझ रहे हो, आप खुद सोच के देखो, आपके घर पे आपके डैड का, चाचा का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा, सबका इनकम कितना आता होगा और टैक्स कितना भरते होंगे, ये तुमको भी पता है क्या होता है क्या नहीं होती। जितने लोगों के घर पे बिजनेस है, कभी सोच के देखना दो बिल बुक क्यों चल रही होगी, तुम्हें बताया नहीं जाएगा, अभी तुम छोटे हो, पर कभी सोच के देखना बिजनेस में दो बिल बुक का क्या काम है, पर दो बिल बुक चल रही है, कभी सोच के देखना ऐसा क्यों, कई घापे है बेटा इस दुनिया में ना कोई सीधा नहीं है, अपने घर वाले भी नहीं, अपने को ऐसा लगता है वो बहुत अच्छे है, डीटी में आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। फिर आई एक और सुबह, फाइनेंस एक्ट 21। आखिरकार कंपनी का बेनिफिट 250 करोड़ से कर दिया 400 करोड़। ये इस साल का अमेंडमेंट है, पिछले साल तक के जो 250 करोड़ था, इस साल कर दिया 400 करोड़। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1920 में 400 करोड़ के नीचे है तो 25%, एल्स 30%। फाइनेंस मिनिस्टर की फाइनेंस एक्ट 21 की स्पीच सुने तो इंडिया की 98% कंपनीज इसमें कवर हो गई, जो इन्होंने वादा किया था वो वादा कंप्लीट हो गया, 98%। हाँ, अभी भी 2% कंपनीज बाहर ही है, जो बाहर शायद रहनी भी चाहिए, पर बाकी मैक्सिमम कंपनीज के लिए टैक्स रेट आ गया 25%, और बाकी जो 2% 1% बाहर रह रही होगी जिनका टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर होगा 1920 में, सर आपको 21-22 का टर्नओवर देखना है क्या? नहीं। आपको टर्नओवर देखना है 1920 का। आज का टर्नओवर भले ही 400 करोड़ के ऊपर हो सकता है, लेकिन उस साल का टर्नओवर अगर 400 करोड़ के नीचे है तो आज टैक्स रेट आपको 25% ही लगेगा, इवन दो करंट ईयर टर्नओवर ऑफ योर कंपनी इज एक्सीडिंग 400 करोड़। तो आपको आज के ईयर का टर्नओवर देखना ही नहीं है, आपको देखना है 1920 के टर्नओवर को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इतनी हिस्ट्री घूम करके आया है। तो आज ये जो लॉ बना है 400 करोड़, ये कभी 50 करोड़ हुआ करता था, कभी 250 करोड़ हुआ करता था, 250 तो 2-3 साल चला, और उसके बाद आकर के 400 करोड़ हुआ है पिछले साल। गेटिंग इट अ नॉट? साहब, मजेदार किस्से हैं और यही किस्से आपके लॉ को और मजेदार बनाते हैं। चलिए आइए डोमेस्टिक कंपनी का पार्ट लिखेंगे। सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी, इसके दो पार्ट। इफ टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 1920 डू नॉट एक्सीड 400 करोड़, ये 400 करोड़ अमेंडमेंट है, ये पिछले साल 250 करोड़ था, आप लोग के अटेम्प्ट के लिए ये 400 करोड़ है, मतलब इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ते हैं। इनकम अप टू 1 करोड़, टोटल इनकम इनटू 25% प्लस
4%। ये 4 क्या है, मेरे को समझ रहा है क्या? वेरी गुड। इनकम 1 करोड़ to 10 करोड़, टोटल इनकम इंटू 25% प्लस 7% प्लस 4%। सर ये तो सरचार्ज फिर बदल गया। हाँ, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग सरचार्ज। डन। अबव 10 करोड़, टोटल इनकम इंटू 25% प्लस 12% प्लस 4%। लिपस्टिक योर। अदर कंपनीज इनकम अप टू 1 करोड़, टोटल इनकम इंटू 30% प्लस 4%। 1 करोड़ to 10 करोड़, टोटल इनकम इंटू 30% प्लस 7% प्लस 4%। अबव 10 करोड़, टोटल इनकम इंटू 30% प्लस 12% प्लस 4%। यो मैन, यस और नो? नाउ यू नो द हिस्ट्री बिहाइंड दिस रेट्स रादर देन जस्ट नोइंग व्हाट्स आर द रेट्स। तो ये एक वादा था जो 2014 में किया गया था, जिसे 2016-17 से ही इन्होंने फुलफिल कर लिया। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कौन? एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट ही 2021 में हुआ तो यह सवाल आपको आना चाहिए। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, देखो देखो हुआ क्या। असेसी कंपनी इनकॉर्पोरेट ही करता है 2021 में। एओ बोलता है, एओ हाँ मिलाओ, चलो 30% पे टैक्स दो, लो 30% पे टैक्स दो। असेसी, सर शायद आपने लॉ ढंग से नहीं पढ़ा, सर शायद आपने लॉ ढंग से नहीं पढ़ा। अगर 1920 में मेरा टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है तो मेरा टैक्स 25% होना चाहिए। एओ लेमन चूस ले, 1920 में तेरा टर्नओवर था किधर? सर वही तो बोल रहा हूं, टर्नओवर नॉट एक्सीड 400 करोड़, जीरो टर्नओवर इज आल्सो नॉट एक्सीडिंग 400 करोड़। इंटरप्रिटेशन। अरे इंटरप्रिटेशन मालिक, अरे पर तेरा टर्नओवर 400 के नीचे होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं टर्नओवर ही नहीं होना चाहिए, 400 से नीचे टर्नओवर होना चाहिए। हेलो, 400 से नीचे टर्नओवर होना चाहिए। माय टर्नओवर इज जीरो, नॉट एक्सीडिंग 400 करोड़। बताइए 25 या 30? 25 टर्नओवर है ही कहा? देयर शुड बी अ टर्नओवर 30%। कितना? 30%। लॉ का इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं किया जाता, अपनी मर्जी से 25 कम दिख रहा ना 25, ऐसा नहीं होता।
अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई थी तो यहां पे माना जाएगा कि उसका टर्नओवर जीरो काउंट नहीं किया जाता, इट हैज नो टर्नओवर। ऐसे केस में अगर कोई कंपनी इस डेट के बाद चालू होती है, दैट इज चालू ही वो 2021 में होती है, वी विल अप्लाई 30%, वी विल अप्लाई 30%, यस और नो। और ऐसी कंपनीज के पास कुछ ऑप्शंस भी है जो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, यस और नो। क्यों ना एक एग्जाम्पल सॉल्व किया जाए, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 सुनो, वो एग्जाम्पल्स में अगर कोई पेज खाली होगा तो वहां लिख देना, पेज मत वेस्ट करो, वो एग्जाम्पल्स के पेज में अगर कोई पेज खाली होगा तो वहां लिख देना। झंडू लिमिटेड टोटल इनकम 3 करोड़, वेट 3,28,62,438। कुछ बच्चों को समझा मैंने दो कंसेप्ट मिला है, काय काय के थ्री करोड़ 28,62,438 टर्नओवर। सर टर्नओवर इन 1924 60 करोड़, अब क्लियर है? राधिका एक सवाल पूछ रही है कि भैया सर अगर बड़ी कंपनी के लॉस है तो क्या होगा। बेटा आगे एक चैप्टर आएगा सेट ऑफ, बताऊंगा मैं करूं क्या सॉल्व, तुमसे ना हो पाएगा। सबसे पहले तो राउंड ऑफ करो, 3,28,62,440 इस पे टैक्स रेट 30% आहो, टैक्स लाइबिलिटी बोल मेरे बच्चे, इज इट 98,58,732, क्या सरचार्ज ऐड होगा? एट द रेट ऑफ 7% इज योर टोटल कम टू 1,054,8843। एवरीवन, वो 0.24 पैसे को मैं नहीं ले रहा हूं, आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्यों नहीं ले रहा हूं। अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में, इज योर टोटल कम टू 1,09,70,797, क्या मुझे इसे भी राउंड ऑफ करना होगा? 1,09,707,97 के जगह 800। एवरीबॉडी बहुत हार्ड, बेटा इनकॉर्पोरेट ही अगर तेरा 2021 में हुआ तो 1920 में तेरा टर्नओवर है क्या, तो डायरेक्टली तेरे को टैक्स रेट 30% अप्लाई होगा, क्योंकि 25% का टैक्स रेट तभी है व्हेन यू हैव अ टर्नओवर एंड दैट टू लेस देन 400 करोड़। यू स्टार्ट विद 30%, फर्दर देर आर कपल ऑफ ऑप्शंस फॉर कंपनी जो आगे आएगा। मालको डन, हां तो कह दो, चलो इधर आओ।
ये तो था डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ये किसके लिए था बच्चे? क्लियर है? अब भी हमारी वो बाकी है ना, फॉरेनर, फॉरेन कंपनी। टोटल इनकम अप टू 1 करोड़, टोटल इनकम इनटू 40% प्लस 4%। कैन यू प्लीज नेम एनी 5 फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया? कैन आई से अमेजॉन? कैन आई से नेटफ्लिक्स और सम ऑफ द अदर वेबसाइट्स? पॉसिबल है ना? अरे बाबा, Alibaba.com, यस, रीबॉक, एडिडास, KFC, डोमिनोज, पुमा, देयर कुड बी एनी नंबर्स। वैसे तुम क्या समझ रहे थे बच्चे? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई सेड, नॉट व्हाट यू अंडरस्टूड। 40% प्लस 2% प्लस 4%। जो भाई साहब अबव 10 करोड़, टोटल इनकम इनटू 40% प्लस 5% प्लस 4%, सर यहां फिर चेंज हो गया, समझ रहे हो? सरचार्ज रेट। और अगर आपको मेरा 2 दिन पहले का डिस्कशन याद आ रहा हो, गवर्नमेंट की आप इसे चालाकी कहिए, समझदारी कहिए, हर एक से अलग सरचार्ज वसूला और सिर्फ अपने पास ही रखा और अपने नाम से जितनी स्कीम थी वो सारी चलाई। किसी देशभक्त के मन में जरूर आ सकता है, सर डोमेस्टिक कंपनी को सरचार्ज ज्यादा, अन फॉरेन कंपनी को सरचार्ज कम, फॉरेनर है तो ऐसा करोगे क्या? सरचार्ज ना बेटा टैक्स पे लगता है, और टैक्स देखो हमारा कम है, इनको उल्टा ये 2% भी ज्यादा हो जाता है। यस, एक तो फॉरेन कंपनी इंडिया में आओ, यहां एम्प्लॉयमेंट दो, यहां गुड्स प्रोडक्ट बेचो, 40-40% टैक्स दो, समझ रहे हो? अगर 100 रुपए फॉरेन कंपनी इंडिया में कमाएगी तो टेंटेटिवली 48% का टैक्स लेके चल जाएंगे हम, टेंटेटिवली। और ये सिर्फ डीटी की बात चल रही, जीएसटी अलग, ये डीटी की बात चल रही, जीएसटी अलग चल रहा, अलग विषय वो। ये समझ में आया मेरे बच्चे? आई थिंक इस पे एग्जांपल लेके हम सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, इस पे कोई नया एग्जांपल नहीं। एक मिनट, नेक्स्ट इज को, एक मिनट, यहां पे एक और चीज लिखिए, कंपनीज हैज अ ऑप्शन टू पे टैक्स एज पर अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम 115 BAA, 115 BAB, कवर्ड इन फाइनल्स। से थैंक यू टू इंस्टीट्यूट। आया? कंपनीज, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई एक नई कंपनी 2021 में आएंगी तो ये क्या करेंगे, वो डायरेक्ट 30% से देंगे तो उनके साथ ना इंसाफी है सर, ये उनके लिए ये ऑप्शन लेके आए हैं, 115 BAA, 115 BAB। विल यू बिलीव अगर नई कंपनी है तो उसको टैक्स रेट 15% ही है इन ऑप्शंस में, मतलब इनके लिए ही और बेनिफिशियल। पूछो ऐसा क्यों किया?
पूछो ना ऐसा क्यों किया। 2015 में मेक इन इंडिया नाम की चीज निकाली थी एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए कहा गया था तुम कंपनीज बनाओ, पुरानी पुराने चावलों से हम रिकवर कर लेंगे, तुम नई कंपनी बनाओ, स्टार्टअप बनाओ, स्टार्टअप बना करके हमको टैक्स से 15% दो। इनफैक्ट जो करंट कंपनीज है जो 25% में है इनके पास भी ऑप्शन है, ये 22% में आ जाएंगे। इन्होंने बोला सिर्फ 25% का था, करंटली कंपनीज पे टैक्स रेट या तो 22% चल रहा है या तो 15% चल रहा है, ये फैक्ट है। एंड इसलिए लोग खुश है, कंपनीज खुश है। कंपनीज क्यों खुश है, उनको वादा कितने का किया था 25, नए स्टार्टअप को दे रहे 15 और पुरानी कंपनीज जो इन सेक्शंस में आ जाएंगी उनको दे रहे 22। वादा किया था 25 का, लाके रख दिया 22 पे, तो कंपनीज और उनके एम्प्लॉय खुशी होंगे। देर वॉज अ रीजन दैट द पार्टी हैज कम अगेन इन टू मेजोरिटी बिकॉज वॉट देवे सेड दे हैव कंप्लाइड विथ इट। उन्होंने देखो मुद्दे ही खत्म कर दिए। आई एम नॉट अप्रेजिंग इट बट कुछ बातों को टैक्स के एंगल से समझो। आपको और मेरे को पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं, अपन लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट है, अपने को कोई लेन देन नहीं कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी पार्टी बुरी है। अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, 25% का कमिटमेंट किया था, 22 और 15 पे लाके रख दिया। आज जो स्टार्टअप कर रहा होगा, सोचो पुराने टाइम में प्री 2014 कोई स्टार्टअप करता था तो उसको 30% से टैक्स देना होता था, देयर वाज हैविंग नो ऑप्शन टू पे द टैक्स एट लोअर रेट। आज वो 30 के जगह 15 पे भी पे करता है तो 15% का इफेक्टिव सेविंग वो वापस अपने वर्किंग कैपिटल में लगा सकता है, ये फायदा है। समझ में आई बात आपको। दूसरी बात, मुद्दे ही खत्म कर दिए। जम्मू कश्मीर का इशू था खत्म कर दिया, राम मंदिर इशू था खत्म हो गया। आप सोच के देखो ना यार, इशू ट्रिपल तलाक इशू था वो खत्म कर दिया। इशू तो होने चाहिए, जितने इशू मेजर मेजर इशू थे सारे मेजर इशू को बाजू करके रख दिया। मुद्दा उठाओगे तो भी उठाओगे क्या, समझ में आ रही है बात। फार्मर लॉ को लेकर के इशू आया था वो ही हटा दिया, चलो ठीक है नहीं रखने का लॉ ही नहीं रखने का वो वाला भी। मतलब आप पॉइंट समझो, देयर इज अ रीजन कि आप वापस से मेजॉरिटी में चुन के आते हो। पहली बात, एक आम आदमी जो टैक्स पेयर है, खैर आप लोग अभी बच्चे हो, बीइंग अ टैक्स पेयर मैं नहीं खुश होऊंगा, बिल्कुल खुश होऊंगा। क्यों खुश होऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है 115 BAC। मैंने आपको क्या बोला, कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ दो और लोअर रेट पे करो, कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन ले लो हायर रेट पे। पहले ऐसे कोई ऑप्शन नाम की चीज नहीं थी, इंडिया ने US टैक्स सिस्टम से ये उठाया और आपको ऑप्शन दे दिया। अब आपके हाथ में आपको ज्यादा पे करना है या कम पे करना है, पहले ऐसा कोई ऑप्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता था। अब जितने लोग पढ़े लिखे या जो टैक्स पेयर है ये खुश है क्योंकि ये ऑप्शन सिलेक्ट करके लोअर टैक्स पे करते हैं, ये ऑप्शन सिलेक्ट करके लोअर टैक्स पे करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे आर फ्लरिशिंग अ बिट। यस और नो? एंड द लास्ट वन, हमारा टैक्स रेट खत्म हो जाएगा, वो जो चौथा वर्ड था ना रेट, वो खत्म हो जाएगा इसके साथ। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस इनकम 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए टैक्स रेट दिया गया है पहले 10,000 पे 10%, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट इनको भी नहीं मिल रहा, कंपनी को भी नहीं मिलता, फर्म को भी नहीं मिलता, इनके कोई दवा दारू के खर्चे नहीं है। इफ इनकम एक्सीड 1 crore सरचार्ज इज एट द रेट ऑफ 12% प्लस HEC एट द रेट ऑफ 4%। बहु डन, नहीं नहीं
HEC तो आपको हर बार लगेगा ही लगेगा, सरचार्ज 1 करोड़ एक सीड होने पे लगेगा। एवरीबॉडी यस और नो? मान लो 1 लाख रुपए इनकम है तो पहले 10,000 पे 10%, नेक्स्ट 10,000 पे 20%, यहाँ पे हमारे 20,000 खर्चा हो गए, बचे हुए 80,000 पे 30% प्लस HEC। आहो, अब देख लो पर्सन की डेफिनेशन में जाओ रजिस्टर के, कम ऑन लास्ट 2 मिनट्स, पर्सन की डेफिनेशन में जाओ, पहुंच गए। पर्सन में कौन कौन था? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP। जरा चेक करना सबके टैक्स रेट पढ़ लिए क्या हमने। एवरीबॉडी अब सेक्शन 4 में जाओ, अब सेक्शन 4 में जाओ। रेट ऑफ टैक्स, क्या मेरे बच्चे को 7 घंटे की मेहनत कल की और आज की मिला के, नाउ यू नो व्हाट इज दैट वर्ड रेट, फॉर विच पर्सन व्हाट इज द रेट, समझ में आई बात? तो इसी एक वर्ड के लिए हमें 7 घंटे लगे कल के पूरे आज के पूरे, यस। बट अब सेक्शन 4 को वापस से हिंदी में समझते हैं। किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है उस पर टैक्स देना है असेसमेंट ईयर में उस रेट पे जो एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर में दिए हैं। समझ में आया क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर में नॉर्मल और स्पेशल इस तरीके के रेट दिए हैं, राइट? स्पेशल रेट एक्ट में दिए होते हैं पर वो फाइनेंस एक्ट में रिपीट करते हैं वो लोग। इस तरीके से आपका टैक्स रेट और सेक्शन 4 अब खत्म होता है। साहब हमने अब तक 4 सेक्शन पढ़े, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 कवर्स वेरियस डेफिनेशन, सेक्शन 3 इज डिफाइंड इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड इन सेक्शन 3, शायद लिखा नहीं हो तो लिख लेना, प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड इन सेक्शन 3 PY, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर खोले, प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड इन सेक्शन 3, फोर्थ इज बेसिस ऑफ चार्ज, फोर्थ इज बेसिस ऑफ चार्ज। पर देखो मैंने आपको पढ़ाने का सीक्वेंस ये नहीं रखा था, मैं आके आपको सबसे पहले 1 पे लेके गया, 1 से 4 पे लेके गया, 4 से जहां जहां डेफिनेशन की जरूरत थी वहां लेके गया, और इसी बीच एक और डेफिनेशन थी प्रीवियस ईयर की वहां लेके गया। दैट्स हाउ 1, 2, 3 एंड 4 नाउ कंप्लीटेड। और चैप्टर नंबर 1 में 4 ही सेक्शन थे। सर मतलब चैप्टर नंबर 1 खत्म? सर 1 मिनट, चैप्टर नंबर 1 खत्म, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारे खत्म, 3 कॉन्सेप्ट बचे हुए जो कल खत्म हो जाएंगे। आपका चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्स कैलकुलेशन खत्म। वेट अ मिनट, ये है आपका ICAI द्वारा जनहित में जारी। आपको आपके मॉड्यूल्स कहां से मिलेंगे ये समझा रहा हूं। यहां स्टूडेंट पोर्टल में जाइए, स्टूडेंट पोर्टल में BOS नॉलेज पोर्टल में जाइए, नीचे आप जाओगे तो यहां पे आपको इंटरमीडिएट दिखेगा, इंटरमीडिएट में टैक्स में जाना, टैक्स में स्टडी मटेरियल में जाना, मई एंड नवंबर 22 दिखेगा, इसमें इनकम टैक्स में जाना, इसमें बेसिक में जाना। चलिए देखते हैं हम इतना जो टाइम पास कर रहे हैं 5 दिन से, इसमें से मॉड्यूल में से भी सर कुछ पढ़ा रहे हैं क्या। ये आपका इंस्टीट्यूट द्वारा जनहित में जारी। देखिए चैप्टर नंबर 1 में आपके इतने कंसेप्ट है। सबसे पहले व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, हैव वी डन दैट? फिर आता है व्हाई टैक्सेस आर लेविड टू गिव इट बैक एज रेन, कुछ याद आ रहा है क्या? पावर टू लेवी टैक्सेस आर्टिकल 245, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इनकम टैक्सेस कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 82। खुद इंस्टीट्यूट ने भी हाईलाइट करके दिया है, मैंने भी आपको हाईलाइट करवाया है। इसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स, क्या इनकम टैक्स में सिर्फ एक्ट पढ़ना है? क्या क्या पढ़ना है? एक्ट, फाइनेंस एक्ट, क्योंकि रेट यहां दिए हैं, रूल्स,
नोटिफिकेशन सर्कुलर लीगल डिसीजंस, समझ में आया क्या? पहले दिन क्या पढ़ा रहा था मैं, फिर इनकम टैक्स में क्या क्या चीजें कवर होती है वो यहां लिखा है, सेक्शन सब सेक्शन प्रोविजो एक्सप्लेनेशन, फाइनेंस एक्ट के अंदर में रेट्स दिए हैं, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर, अभी तक हमने पार्ट वन पढ़ा, पार्ट टू आपको टीडीएस नाम के चैप्टर में समझाऊंगा। फिर इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, केस लॉस को कैसे रीड किया जाता है, आपको नहीं लगता ऐसा पहले ही दिन पढ़ लिया था हमने? फिर लेवी ऑफ इनकम टैक्स, टोटल टैक्स कैसे निकाला जाता है, ये पहले आपको बताया गया है कि आपको आपकी टोटल इनकम डिटरमाइन करनी है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है, फाइनली आपको आपकी इनकम लेकर के आनी है, आपकी टोटल इनकम, फिर ये 288 ए कहीं दिख रहा है मेरे को लिखा हुआ, समझ रहा है कि ये क्या है? आप अपने पांच हेड की इनकम निकालोगे, पांच हेड कौन कौन से बेटा? पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ करने के बाद आपका बनता है ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से डिडक्शन माइनस करोगे तो क्या बनेगा? अब समझा हम क्या कर रहे थे? आहो, इसके बाद जैसी आप आगे बढ़ोगे आपको असेसी की डेफिनेशन मिलेगी, कैसी सी असेसी की डेफिनेशन मिलेगी, वेट अ मिनट, असेसी की डेफिनेशन मिलेगी, पर्सन की डेफिनेशन मिलेगी, एचयूएफ क्या होता है याद है हमने पढ़ा था, मिताक्षरा दया भागा सब यहां का पार्ट है वो, एचयूएफ कैसे स्टार्ट होता है, दया भागा मिताक्षरा, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है लेक्चर में जो आपका अननेसेसरी है, जो कुछ आपके मॉड्यूल में वो सब अपन ने क्लास में लिया है, सब का सब लिया है। इसके बाद दया भागा में अलग क्या होता है, मिताक्षरा में अलग क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया है। कंपनीज क्या होती है, कंपनी के डेफिनेशन मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ा है, आगे जाएंगे जहां जरूरत होगी वहां पढ़ेंगे, डेफिनेशन यहां पे दी हुई है। इसके बाद फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, फिर इनकम का डेफिनेशन, याद है मैंने आपको बोला था इनकम डिफाइंड है 224 में, लेकिन हमें ये डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं, देख लो बिजनेस करके अगर पैसा आता है ये भी टैक्सेबल होता है, डिविडेंड से आया ये भी टैक्सेबल होता है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इज डोनेशन, डोनेशन से मिला ये भी टैक्सेबल होता है, ऐसे सारी इनकम की दी है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कंसेप्ट पढ़ा हुआ लग रहा है क्या बेटा? आगे बढ़े, सारे अलग अलग रिसीट्स देखे, ये देखो कैन सिंगल ट्रांजैक्शन आल्सो कंस्टिट्यूट बिजनेस, मैंने आपसे पूछा था जरूरी है रेगुलर होना चाहिए, या एक भी रहे तो वो बिजनेस हो सकता है, एग्जाम्पल दिया था अगर कोई एरोप्लेन सेल कर रहा है तो जरूरी नहीं रोज रोज उसके एरोप्लेन बिकेंगे, एक भी बिक गया तो वो बिजनेस इनकम है। फिर हम आगे बढ़े, इंडिया दरिया में, फिर आया प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, मैंने आपको सिखाया ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है आपका असेसमेंट ईयर, फिर हमने आगे चल के देखा ये अनडिस्क्लोज सोर्सेज, मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेता हूं, ये मैंने आपको यहां नहीं लिया ना यहां पे हम पढ़ सकते उसको, ये हम पढ़ेंगे अदर सोर्सेज में। जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, इसके कितने एक्सेप्शन है बेटा? शिव गणपति डांस कर रहा था ये, वो पूरे पांच बिजनेस को इनने एक्सप्लेन किया है। फिर आता है चार्जेबिलिटी सेक्शन नंबर 4, पड़ा पड़ा सा लागे है। फिर यहां से हम गए टैक्स रेट्स देखने के लिए, ये इंडिविजुअल बिलो 60 टू 80 अबव, ये क्लैरिफिकेशन हम लोग कल पढ़ेंगे। ये एक नया टैक्स रेट आया है 115 BAC, मॉड्यूल ने यही लिख दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया मैंने इसको एक पूरा सेपरेट चैप्टर बनाया जो हम आगे पढ़ेंगे। यस, फिर कंपनी का टैक्स रेट 1920 में 400 करोड़ के नीचे है तो क्या, अदर कंपनी के लिए तो क्या, और साथ साथ में कंपनीज के लिए ऑप्शन आया है 115 BAA, 115 BA, 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 यस, कंपनी के लिए BAA, BAB, इंडिविजुअल के लिए BAC, यस। इधर देखो ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिख रहे हैं क्या मालिक, ये आपके स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, ये आपका सरचार्ज, भाई साहब सरचार्ज
ये आपका पूरा सरचार्ज, एक कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ, कल पढ़ेंगे। बाकी यहाँ से आपके प्रॉब्लम आंसर शुरू। इधर जितने नहीं लिए होंगे उससे ज़्यादा अपन ने ले लिए, मात्र 11 लिए हैं, डन। तो मोटे मोटे तौर पे बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है, कल कंप्लीट चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। आंधी आए, तूफान आए या अंबर फट जाए, कल आपके पास बुक होना मतलब होना। इज दैट डन? बाय मेरे बच्चों। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कम। सर कल लेक्चर YouTube पे है क्या? यस सर, YouTube पे और कितने दिन होने वाला है? मे बी नेक्स्ट 2 डेज मोर। सर सर जब मॉड्यूल देखा सब कवर है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तूने 2021 के अंदर में इनकॉर्पोरेट किया, अब लॉ क्या बोल रहा है? 1920 का टर्नओवर देख, तो तू कितने पे आ गया अभी? इसीलिए तेरे लिए क्या ऑप्शन लेके आए कि भैया तू 30 पे मत दे, तू उल्टा स्टार्टअप पे 15 ही दे। सर बुक नहीं मिली, प्लीज कॉन्टैक्ट टू द टेक्निकल टीम। अच्छा जो ऑनलाइन बैठे, एक मिनट रुक बेटा, जो ऑनलाइन बैठे हैं बेटा, आपके पास अगर बुक नहीं है तो मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे PDF डाल दिया है, वहां से ले लेना। व्हाट्सएप ग्रुप फुल दिखा रहा है, एक और बना देता हूं। दो अलग अलग कंपनीज होती है फिर भी वो, तो उनका अलग अलग। रिसीट लगी क्वेश्चनेयर बेटा आपको सॉल्व करना है, मैं डिस्कस करूंगा। सर बेटा कैमरे से थोड़ा आपके बाद, क्वेश्चनेयर में हम डिस्कस करेंगे बेटा। सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप अगर गलती से प्रॉपर्टी बेच रहे हैं टैक्स अवॉइड करने के लिए तो नहीं देंगे, मंगाना ही पड़ेगा। सर वो जो कंपनी में 29% कर दिए थे पहले, फिर वो वापस 30% हो गया, वो 25% हो गया, तो 25 हो गया, लेकिन जो बची भी कंपनीज के लिए 30 भी कंटिन्यू किया, 30 हो गया। अदर कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर आप 200 करोड़ के नीचे, उनके लिए तो 25 भी हो गया ना, 25 हो गया, लेकिन वो पहले तो सबके लिए 29 हो गया था ना। हाँ बट फिर उन्होंने डिवाइड कर दिया ना उस चीज को, तो फिर जिनके 30 हो गए उनका वापस टैक्स बढ़ गया। हाँ उन साल का, उस पर्टिकुलर ईयर का। सर बुक आने में कितने दिन लगेंगे? आपको जो मेल आया होगा उसके अंदर में ट्रैकिंग आईडी होगी, प्लीज चेक। सर सरचार्ज और ये सक्सेस है ना, सर टर्नओवर सर 400 करोड़ से कम है 1920 में, और आज की तारीख में 1000 करोड़ है। 1920 में 400 करोड़ से कम है 25%, आज 2000 करोड़ भी रहने कोई प्रॉब्लम नहीं। हां सर ये जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है ना, उसमें 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर रहा तो ही 12% टर्नओवर नहीं, इनकम इनकम 12% 12% सच है, नहीं तो कुछ नहीं लगने वाला। HEC तो लगेगा ना टैक्स के साथ, सबके पर लगेगा, 10,000 पे रो, 1,00,000 पे रो, कितना HEC तो सब पे लगेगा। सर आप क्वेश्चन है अभी मत सॉल्व करो बेटा, 2-3 टॉपिक हो जान दो उसके बाद सॉल्व करना क्वेश्चन है। डन, बाय बाय। ओ बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? सबसे ज्यादा कौन से मजा आता है?